नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ से अलग हुआ ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ऐतिहासिक जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोट दिया है। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से बाहर होने के लिए जरूरी 1.68 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े। जनमत संग्रह के परिणामों में 52% लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए वोट दिए हैं, जबकि 48% लोगों ने यूरोपीय संघ में बने रहने की हिमायत की है। इन परिणामों के बाद दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मच गई है। नतीजों के बाद पाउंड एक ही दिन में ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 1985 के बाद डॉलर के मुकाबले पाउंड में 10% की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अक्टूबर में पद छोड़ देंगे। बाजार में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने शुक्रवार को कहा कि भारत ब्रेग्जिट के प्रभावों से पूरी तरह अछूता नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल बाजार में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। राजन ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम बाजार के स्वयं संतुलन ढूंढने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिलहाल सभी बाजार सही स्थिति में प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी तरलता की जरूरत होगी, केंद्रीय बैंक बाजार में डॉलर और रुपया उपलब्ध कराएगा। ब्रेग्जिट के प्रभाव से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार, अरुण जेटली ने कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने की स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। जेटली ने एक बयान में कहा कि जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, हम ब्रेग्जिट के तात्कालिक और मध्यम अवधि के प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम हमारी वृहद अर्थव्यवस्था के फ्रेमवर्क को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसका फोकस स्थिरता बनाए रखना है। वृहद अर्थव्यवस्था की हमारी नींव मजबूत है। एनएफजी में भारत की सदस्यता पर आगे भी होगी चर्चा। विश्व के 48 देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने अपनी पूर्ण बैठक में परमाणु प्रसार संधि के बाहर के भारत सहित अन्य देशों की सदस्यता के प्रश्न पर आगे चर्चा जारी रखने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ समूह की पूर्ण वार्षिक बैठक शुक्रवार को समाप्त हो गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में गैर परमाणु अप्रसार संधि वाले देशों को समूह में शामिल किए जाने के तकनीकी तथा राजनीतिक पक्षों पर विचार किया गया और अगली बैठक में भी विचार विमर्श जारी रखने का निश्चय किया गया। भारत के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार विचार विमर्श भारत के आवेदन पर ही रहा और किसी भी सदस्य ने पाकिस्तान के आवेदन का उल्लेख नहीं किया। विफल हो गई है मोदी की विदेश नीति, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीन और अन्य देशों द्वारा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरह असफल हो गई है। केजरीवाल ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्हें जनता को यह बताना होगा कि अपनी विदेश यात्राओं में आखिर वह क्या करते रहे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।